Good morning, children. This is your English grammar class. Now, today we will revise this English grammar. Okay? Now, take out your notebook, English notebook, and open this. Now, today we will revise the exercise naming words. Exercise hai circle. The naming words in these sentences. Okay? Circle the naming words in this sentences. मैं आपको sentence दे रही हूँ, उसमें हमें naming words को circle करना है. The boy flies a kite. तो अब हमें इस पे कौन कौन से वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स हैं? कौन से हैं? बॉय है क्योंकि वो एक लड़का है, इसको हम सर्किल करेंगे. एंड काइट है, काइट क्या है? एक थिंग है, इसको भी हम सर्किल कर देंगे. ये हमारे इसमें नेमिंग वर्ड है. सेकंड है द मैन ड्राइव्स अ वैन. जो मैन है वो क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है, वैन चला रहा है. तो इसमें कौन कौन से नेमिंग वर्ड हैं? मैन, क्योंकि वो एक आदमी है, और वैन क्या है? एक व्हीकल है. इसमें वैन भी क्या है? एक नेमिंग वर्ड है. तो इस पे हमने मैन और वैन को सर्किल करेंगे. थर्ड है दिस ट्रेन मूव्स वेरी फास्ट. दिस ट्रेन मूव्स वेरी फास्ट. इसमें कौन सा वर्ड है नेमिंग वर्ड? ट्रेन. कौन सा है? ट्रेन जो है वो नेमिंग वर्ड है क्योंकि वो एक व्हीकल है, इसलिए हम किसको सर्किल करेंगे? ट्रेन को सर्किल कर देंगे. फोर्थ है द गेट टू द पार्क इज क्लोज्ड. द गेट टू द पार्क इज क्लोज्ड. जो पार्क का गेट है वो बंद हो है. तो इसमें कौन कौन सा है? गेट है और पार्क है, क्योंकि पार्क क्या है? एक प्लेस है. There are many peoples at the bus stop. There are many peoples at the bus stop. इसमें कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं? Peoples, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, और बस स्टॉप. ओके, सबको समझ में आ रही है ना? देयर इज अ कैटल इन द किचन. देयर इज अ कैटल इन द किचन. जो कैटल है वो कहाँ है? किचन में है. तो किचन एक प्लेस है, ये है नेमिंग वर्ड. एंड कैटल एक वस्तु है, ये भी क्या है? नेमिंग वर्ड है.
The boy is holding an umbrella. The boy is holding an umbrella. लड़की ने क्या पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है अम्ब्रेले को. तो बॉय क्या है, एक लड़का है, ये नेमिंग वर्ड है. और अम्ब्रेला क्या है, एक थिंग है. तो हमने बॉय और अम्ब्रेला को क्या कर दिया, सर्किल कर दिया. सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आई है. हमें क्या है, ये सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको हमें क्या करना है, सर्किल करना है. ओके, द बॉय फ्लाइज अ काइट. इसमें बॉय और काइट क्या है, इनको सर्किल करना है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड, प्लीज लर्न इट एट योर होम एंड प्रैक्टिस इट ऑल्सो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.